एक और अच्छी वैकेंसी के साथ फिर हम शुरुआत करने वाले हैं वीडियो का। और आई होप कि मैं आज वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं कि आपसे काफ़ी उम्मीद है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और जो विद्यार्थी नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब अपन शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को लेके। जो भी अपडेट आपको दी जाती है पूरे प्रूफ के साथ दिखाई जाती है। आज हम फिर से एक बिजली उत्पाद निगम लिमिटेड की हम बात करेंगे, जो एक राज्य से निकली हुई है, पर्टिकुलर एक राज्य की निकली हुई वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पे आवेदन करने का थोड़ा सा सिस्टम अलग है। आपको बता दें कि यहाँ पे आपको से बिल्कुल आवेदन करने के बाद लॉगिन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा, बस ये दो काम आपको करने होंगे। और ना ही आप इसमें फिर आपकी PDF निकलवा सकते हैं, बस आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाके आप इसमें यानी कि फॉर्म को देख पाएंगे। ये इसका एक ही प्रोसेसर होगा। प्रोसेसर के अलावा हम बात करें, इसमें आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेसर की बात की जाए या फिर किस तरीके की वैकेंसी है, ये तो बाकी डिटेल अपन विज्ञापन के तहत ही बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। 10वीं ITI, और ITI के अलावा जो भी टेक्नीशियन जैसे डिप्लोमा BTech की ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी भी इनमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल सीधी वैकेंसी है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई शुल्क वगैरह जमा नहीं करवाना और ना ही रिटर्न टेस्ट देना होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित किया जाएगा। आपको बता दें कि उस राज्य के अलावा आप अदर राज्य के स्टूडेंट भी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो वहाँ की बेसिक लैंग्वेज ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। CSPC GCL के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, जो एक राज्य की राज्य निगम लिमिटेड की हम बात करेंगे जिसमें वैकेंसी अपडेट हुई है। ये देखिएगा, ये विज्ञापन है 7/7/2021 को नई अपडेट के साथ जारी किया गया है। 27 इसमें पोस्ट दी हुई है, और ग्रेजुएशन और टेक्नीशियन और अलग अलग पोस्ट इसमें निर्धारित की हुई है, तो वो पोस्ट के अनुसार यहाँ पे पोस्ट की संख्या भी बढ़ती घटती रहेगी। अब हम बात करें ये बिजली विभाग की जो वैकेंसी निकली हुई है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेट कंपनी के वहाँ से निकाली हुई वैकेंसी है, और इसमें अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन किया गया है। इसमें 1961 के तहत अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कॉर्पोरेट लिमिटेड एक वर्ष की अवधि के लिए अप्रेंटिस परीक्षण हेतु नियोजित किया जा रहा है, जिसमें निम्न अनुसार निम्न विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए ग्रेजुएशन की इसमें पोस्ट 57 दी हुई है, जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट सिविल कंप्यूटर साइंस ये पोस्ट इसमें जारी होगी। 1 ईयर के लिए आपको ₹9,000 दिया जाएगा। अब हम बात करें डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से ECG की पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, सिविल की पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, कंप्यूटर साइंस की पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, और ₹8,000 आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी 1 ईयर के लिए। यहाँ पे SC ST कैटेगरी की पोस्ट हैं, जर्नल की पोस्ट हैं, और बात की जाए इसमें 70 पोस्ट जारी हुई है सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले विद्यार्थी की। ग्रेजुएशन की बात करें 57 पोस्ट इसमें जारी हुई है। अब आगे इसमें देखें, उम्मीदवारों का चयनित विद्युत कंपनी द्वारा ग्राहक आरक्षण नियम का पालन करते हुए किया जाएगा, और उम्मीदवार चयन असहायक परीक्षा सहायक का प्राप्त अंकों का परिणाम के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, उसमें मिले अंक के अनुसार आपका उसके आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। उम्मीदवारों का जो भी अप्रेंटिस परीक्षण मात्र एक वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ स्टेट कंपनी में अस्थायी, अस्थायी और अस्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होगे। यानी कि जो आपको बता दें कि इस कंपनी ने यहाँ पे सीधे क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे अस्थायी और अस्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं है। यानी कि आपको यहाँ पे अप्रेंटिस करने के बाद ऐसा हो सकता है कि नहीं भी हो सकता कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट और परमानेंट रेगुलर बेस पे नौकरी भी दी जा सकती है, ऐसा बिल्कुल कंपनी ऐसा दावा नहीं करती। तो इसलिए आपको ये जरा सी चीज़ ध्यान में रखनी होगी। जो उम्मीदवार किसी भी अन्य संस्था कर चुके हैं और वो कर रहे हैं, उम्मीदवार चयनित को हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। अगर आप किसी और संस्था से अप्रेंटिस कर चुके हैं और इसमें आवेदन करना चाहते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि हमें यहाँ पे गवर्नमेंट मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी आवेदन मत कीजिएगा। और वेब पोर्ट के दस्तावेज की बात की जाए तो 10वीं 12वीं की अंक तालिका, इसमें डिप्लोमा के जो अंक तालिका और आपके जो ग्रेजुएशन और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आपकी बात की जाए छत्तीसगढ़ के राज्य स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है आपका,
और आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब इस मूल निवास के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के स्टूडेंटों के लिए ही निकली हुई है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर करनी होगी यहाँ पे, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की बात करें, जो भी उम्मीदवार NATC पोर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अगर आपने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो 31/7/2021 से पहले रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसे पूरी तरीके से स्वीकार किया जाएगा। अगर आप इसके बाद स्वीकार करते हैं, तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये कंपनी के तहत मान्यता होगी। इसमें आपको बता दें कि अप्रेंटिस के हेतु पात्र होने योग्य उम्मीदवार आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन के तहत इसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा 1 ईयर के बाद, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। अब इसमें जो आवेदन कैसे करना है, ये आपको यहाँ पे हम बात करें, तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि अप्रेंटिस की एक ही वेबसाइट है, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्च NATC के अकॉर्डिंग। आपको उस विज्ञापन में भी ये दिया हुआ था कि NATS के तहत आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, और इसमें वही आपको मेल और कॉन्टैक्ट नंबर आप सॉरी पासवर्ड आपको ध्यान में रखने होंगे, अन्यथा आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका विवरण है, आई होप कि आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा, और इसका लिंक आपको दिया जाएगा, आप सीधा इसमें जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका विवरण है, 2127 पोस्टों पे ऑनलाइन आवेदन होगा, नोटिफिकेशन नया जारी हो चुका है। 36 स्टेट पावर कॉर्पोरेट इंडियन लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ग्रेजुएशन और ITI डिप्लोमा वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले। अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो महिला पुरुष सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतने, अगले वैकेंसी के साथ फिर शुरुआत करेंगे। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।